गणपति जी नाराज हो गए और इसीलिए हार नहीं पहन रहे। जरूर किसी ने कोई गलती की है। जिसने भी गलती की हो वो अकेले में जाकर गणपति जी के सामने माफी मांग ले। ऐसा करने से गणपति मुझे क्या पता, मुझे इस स्पीकर का माइक वहाँ गणपति जी के मूर्ति के पास रखा हुआ है। अब वहाँ जो भी अपनी गलती बताएगा वो सब हमें यहाँ सुनाई देगा। वो कोमल के जितने भी रिश्तेदार मेरे पास दवाई लेने आते हैं ना, तो मैं उनको वो पिपरमेंट वाली गोलियाँ देता हूँ। मैंने गुस्से में बोल दिया था कि जेठालाल फैमिली कोई सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। कल रात आपकी आरती में मेरा ध्यान भटक गया था, क्योंकि मैं किसी की खूबसूरती में खो गया था। मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते मुझे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। माता जी। बापा, उस गलती की वजह से मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ये क्या है माइक? ये माइक चालू करके यहाँ इस तरह किसने रख दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबकी गलतियां सुन रहा है? अगर ऐसा है तो ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ टप्पू ही कर सकता है। हे गणपति बापा, आपने सही टाइम पे बचा लिया। हो अच्छा हुआ कि मैंने बबीता जी का नाम नहीं लिया, वरना गणपति बापा आज आपसे पहले मेरा विसर्जन हो जाता था। हे भगवान, वो औरत नहीं, वो देवी है। जीता भाई, जिसके चरणों में मैंने अपना दिल रख दिया है। अच्छा हुआ भगवान, उससे आपने मेरी शादी करा दी। हे बाबा, माता जी, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे इन्होंने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं, शायद टप्पू का दूसरा भाई नप्पू भी होगा। लेकिन प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि उस देवी को, मतलब मेरी पत्नी दया को, मैं हमेशा डांटता हूँ। परेशान करता हूँ, उसकी कोई बात नहीं मानता हूँ। उसके लिए मुझे माफी दे दीजिए प्रभु, और ये हार पहन लीजिए। देखा मेरे दोस्त जेठालाल को, भाभी आप बिला वजह ही शक कर रही थी। मैं जानता हूँ ना जेठालाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे माँ, माता जी, मुझे क्षमा करना। मैंने जिनको पत्थर समझा वो तो हीरा निकला। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। बापूजी, गांव का प्रोग्राम कैंसल। अरे खड़ी रे, क्या कर रही है दया तू? अरे आप कितने अच्छे हो। ये बताने का ये क्या तरीका हुआ? अरे नहीं,
मेरे तो भाग्य खुल गए। आपके साथ एक बार नहीं 100 बार शादी कर सकती हूँ अगले 100 जन्मों तक। और आप दवाई के बदले पेपरमेंट की गोली खिलाते हो मेरे फैमिली वालों को हुँ? तुमको कैसे पता चला? और आप भी जो मन में आए वो बोल देते हो, सुनना सब मुझे पड़ता है। क्या जरूरत थी जेठा भाई के बारे में ऐसा बोलने की? क्या बोला भीड़ा भाई ने, क्या बोला मेरे बारे में? नहीं वो तुम्हें कैसे पता चला? अरे वैसे ही जैसे दया भाभी को पता चल गया कि जेठालाल कितने अच्छे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी की कृपा से आप सबकी पत्नियां अंतर्यामी हो गई हैं। चलो चलो टब्बू गणपति जी को हार पहनाओ। जोक्स बंद करो और सोचो कल रात हम सोसाइटी में कौन सा कार्यक्रम रखेंगे। ए टप्पू सुन सुन, बाजू के सोसाइटी में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, चलो हम भी वही करते हैं। नहीं रे, जो दूसरे करते हैं वो टप्पू नहीं करता। बराबर, सब होमवर्क करते हैं पर टप्पू नहीं करता। एक काम करते हैं, गुदगुदी करने का कंपटीशन रखते हैं। जब तक कोई हंसता नहीं ना तब तक गुदगुदी करते रहो, बहुत मजा आएगा। मैं अपने पापा को गुदगुदी करता ना वो तो हंसते ही रहते। नहीं नहीं गुदगुदी नहीं, कुछ और सोचते हैं। आइडिया, हम सोसाइटी में ना कुश्ती कंपटीशन रखते हैं। नहीं कुश्ती नहीं, वो तो हमारी सोसाइटी में सबके बीच रोज होती है। अरे यार तुम लोग जोक मारना बंद करो और कुछ सोचो। एक आइडिया, सिंगिंग कंपटीशन रखते हैं। हाँ इसमें मजा आएगा, तो चलो अब हम सबको बताते हैं। नहीं यार सबको एक साथ बुलाते हैं। मगर कैसे? अरे जेठालाल ये क्या हो रहा है, ये क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों चिल्ला रहा है? तुम तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे मैं इसको सिका सिका के नीचे बेचता हूँ। ये भाई चुप रहने, उसी को बोलने दे। टप्पू बेटा क्या हुआ बोल। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर ध्यान से सुनो, कल हमारी सोसाइटी में सिंगिंग कंपटीशन है। पागल हो गया है तू? ये तेरी मम्मी का आवाज सुना है तूने? अगर ये गाने लगेगी तो सोसाइटी से सब बाहर जाने लगेंगे। नहीं नहीं सिंगिंग कंपटीशन नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ डांस कंपटीशन रखते हैं। क्या बोलते हैं बबीता जी? ओके एज यू से। जेठा कांट डांस अलग। ए कौन बोला? ए कौन बोला जेठा कांट डांस? नहीं नहीं डांस का रहने दो, उससे अच्छा 1 मिनट में सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खाता है उसका कंपटीशन रखो। ए गोल गप्पे जब देखो तब खाने के बारे में सोचता रहता है। अब मेरे हिसाब से तो निबंध की प्रतियोगिता होनी चाहिए। ओए निबंध को कारे बांधे, ओए गड्डी की रेस होनी चाहिए। अरे क्या सोची भाई, गड्डी की रेस? इधर कितने लोगों के पास गड्डी है? गड्डी बड़ी नहीं भाई। मैं तो कहती हूँ कि गरबा की स्पर्धा रखते हैं। हाँ रखेंगे नवरात्रि में, ये गणेशोत्सव है, कितनी बार बोलने का तुमको? एक मिनट हम लोग ना अचार बनाने का कंपटीशन रखते हैं। कम ऑन, आपका अचार का विचार ही गलत है। आप ठीक है ठीक कोमल भाभी, ऐसे तो यही जीतेगी। नहीं लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर निबंध की प्रतियोगिता हो तो अच्छा होगा ना। कैसा चौप, 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 चौप,
बापूजी, ये क्या बहस लगा रखी है? अरे हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक ही समझदार व्यक्ति है। बराबर है बापूजी, तो मैं कह रहा था। ये चुप रहना बाबू चाट, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं मेहता साहब की बात कर रहा हूँ। मेहता साहब, अब आप ही बताइए, ये कल मैं बापू जी क्या कर रहे हैं, नीचे गिर जाएंगे आप। अब आप ही बताइए मेहता साहब, कल क्या रखना चाहिए? अरे वो एक मिनट, ये आप लोग इतना टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? वैसे जिंदगी में क्या कोई टेंशन कम है? और टेंशन से निजात सिर्फ एक चीज दिला सकती है, वो है हंसी। तो फिर ऐसा करते हैं कि कल हम आप सब लोगों के पार्टिसिपेशन से सोसाइटी में एक हास्य कवि सम्मेलन रखते हैं, जिसमें आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। क्या मेहता साहब, आप लेखक है, आप कविता कर सकते हैं, इधर कविता किसको करने को आता है? अरे जेठा भाई, क्या फर्क पड़ता है? अरे जब कविता लिखनी नहीं आती और तब आप लिख के बोलेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा, हंसी तभी पैदा होगी। तो तेरा आज से कवि सम्मेलन कल। ये अच्छा सीखा है, गुड। और जो इस कंपटीशन में जीतेगा उसे मेरी तरफ से सरप्राइज प्राइज मिलेगा। कितना बिजी आता है इनका फोन। अरे सुनो, एक मिनट अंजलि प्लीज। ओके फाइन। हाय आंटी। हेलो, हाउ आर यू? हाय मेहता अंकल। अरे भाई वाह, टप्पू और गोगी, आज दो नौजवान एक साथ कैसे हमला बोला है? अरे अंकल, आपको और आंटी को जज बनना है। जज? अरे नहीं भैया, जज बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना, मेरे बस का नहीं है। अरे अंकल, वो जज नहीं, हास्य कवि सम्मेलन का जज, उसका इनविटेशन है। ओह, देखो भैया, ये इनविटेशन नहीं है, ये टेंशन है। क्यों? अरे क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो भाई मुझे? अरे सोसाइटी में सारे ही लोग दोस्त है मेरे, सारे लोग हिस्सा लेंगे, जीतेगा तो एक, दुश्मन हो जाएंगे अनेक। अरे आपके इस विचार को मारो ब्रेक। ओए, ये तो कविता हो गई। ठीक कह रही हो, लेकिन बच्चे लोगों, मुझे क्षमा कीजिए, आप जज किसी और को बनाइए। मोहन अंकल भी तो जज बन रहे ना। मोहन अंकल? अरे मोहन अंकल का कविता से क्या लेना देना है भाई? अरे अंकल, उन्होंने ही तो स्पॉन्सर किया है। ओह, फिर तो तुम बिल्कुल ठीक हो भाई, जिसने खजाना दिया है खोल, उसके बजाओ ढोल। लेकिन मैं जज नहीं बन सकता, मुझे आप लोग माफ करें। I am sorry. नहीं, अंकल आपको बनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज आंटी, आप भी बोलो ना, प्लीज प्लीज। अरे बाबा, मान जाओ ना। अच्छा ओके। यस। ओए अभी तो बाकी है, आगे सुन। मैया क्या कर रहे हो? अरे शायरी लिख रहा हूँ, चलो तुम भी सुनो। एक टेम्पो के पीछे लिखा था। अरे आई शू, सुबह से तुम ट्रक और टेम्पो की शायरियाँ सुना रहे हो, तुम शायर कम ने ड्राइवर ज्यादा लग रहे हो। बाबा, मम्मी, बाबा। अच्छा ये शायरी नहीं है, तो जरा एक खुद करके बताओ, फिर पता चलेगा तुम्हें। ठीक है तो सुनो। पारसी में मत सुनाना। नहीं बाबा, इंग्लिश में सुनाती हूँ। ओ, अगर इंग्लिश में सुनानी है तो सुना के जरा समझा देना। ठीक है तो फर्ज किया है। ओए फर्ज नहीं, अर्ज, अर्ज किया है। ठीक है ठीक है, तो अर्ज किया है, यू आर माई स्वीट सोना, आई डोंट वॉन्ट यू टू खोना, आई वॉन्ट अ प्लेस इन योर हार्ट्स कोना, अदरवाइज आई विल स्टार्ट रोना। सूट है यू, शायरी खत्म हो गई है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। बोल दो। चलो चलो चलो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कविता बना रहा हूँ। यहाँ गार्डन में? बिल्कुल माधवी, कविता एक ऐसी चीज है जो चार दीवारों के अंदर नहीं बनाई जाती, उसके लिए एक ऐसा खूबसूरत सा माहौल और खुला आसमान चाहिए।
जैसे फूल अपने आप खिलता है वैसे कविता अपने आप बनती है। मैंने कुछ कविताएं बनाई है, सुनोगी? अच्छा सुनाइए। हाँ। पापड़ और अचार की खुशबू में। आह क्या बात है, आगे। हाँ, पापड़ और अचार की खुशबू में चांद और सूरज का झगड़ा हुआ, इस भीड़े से कविता में भीड़े ऐसा कवि कोई पैदा ना हुआ। कैसी है? दूसरी कुछ है? हाँ हाँ हाँ, है ना है ना। जब आत्माराम भीड़े की आत्मा माधवी से भिड़े। बच्चे सुन रहे हैं, वो खेल रहे। जब आत्माराम भीड़े की आत्मा माधवी से भिड़े, तब गोकुलधाम सोसाइटी की धूल पूरे आसमान में उड़े। हाँ अच्छी है। अभी तीसरी कविता। बोली चेयर की देर हो गई, अब्दुल ने बोला आधे घंटे में चेयर आ जाएगी। वेरी गुड। ये सुनो, हम यहाँ चेयर लगा देंगे यहाँ। ओके चलो अब हम घर जाते हैं। नहीं, नहीं। क्यों? आज सुबह से मेरे पापा शायरी सुना सुना कर पका रहे हैं। मेरे पापा पेशेंट को दवाई का डोज देने के बदले शायरी का डोज दे रहे हैं। मेरी मम्मी गरबे में शायरी करती है या शायरी में गरबे करती है कुछ पता ही नहीं। मेरे मम्मी पापा का भी यही हाल है, कहीं लोग इनकी शायरियाँ सुनकर सो ना जाए। अरे अगर कोई सो गया तो भीड़े अंकल मेरे पापा की गलती निकालेंगे। हेलो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक। हेलो टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। सुनिए मैंने आपके लिए शायरी बनाई है। हाँ तो ठीक है, गरम करके टिफिन में भेज देना। हाँ? अरे सब्जी नहीं शायरी बनाई है। शायरी? हाँ। तुमने? हाँ। क्यों? क्यों क्या, मैं बैंगन का भरता बना सकती हूँ तो शायरी नहीं बना सकती? तो सुनिए, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, क्योंकि जीव दया वालों ने कहा है हर प्राणी से प्यार कर तू, इसलिए आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ये शायरी तुमने बनाई है? हाँ टप्पू ने सिखाई है। ठीक है तो एक शायरी मेरी तरफ से भी सुनो। बोलिए। सेम टू यू सेम टू यू सेम टू यू। नॉनसेंस। कैसा शायरी का बहाना अच्छा है बबीता जी को फोन करने के लिए। एक दो याद है वो सुना देता हूँ उनको। हेलो जेठा जी, आपने मेरा आवाज भी पहचान लिया? जी आपका नंबर मेरे मोबाइल पे सेव्ड है इसलिए। बताइए कैसे याद किया आज आपने मुझे? नहीं खास कुछ नहीं, वो एक शायरी बनाई है तो सोच रहा था आपको सुनाऊं। सुनेंगे शायरी? हाँ। आपने सुनाइए। सुनिए। सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, काश कोई हमको भी प्यार करे क्योंकि हमको बहुत आती है नींद। हेलो बबीता जी। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। हाँ नहीं कैसी लगी शायरी? ठीक है नॉट बैड। अच्छी लगी तो सुनो एक और सुना दो। जेठा जी मुझे आप ना ये शायरी कल सुना दीजिए। ठीक है तो हम लोग क्या एक फिक्स रखते हैं, रोज एक शायरी में आपको फोन करके सुनाऊंगा। ओके क्या है? ओके जेठा जी बाय। हाँ बाय बाय। बिजी लग रहे। तो आप देख रहे हैं सबका उत्साह चरम पे है, तैयारियां जोरों पे है, सारे बच्चे लगे हुए हैं गोकुलधाम सोसाइटी के इस गणेशोत्सव को एक नया आकार एक नया रूप देने में। बच्चे चाहते हैं कि आप और हम सब मिलके हंसें और इस हंसने के लिए इन्होंने आयोजित किया है ये हास्य कवि सम्मेलन।
और हास्य कविता की प्रतियोगिता भी, जिसमें हिस्सा लेंगे ये सोसाइटी के तमाम लोग जिन्होंने जीवन में कभी कविता नहीं लिखी, पर करेंगे कहीं से जोड़ तोड़ और बनाएंगे। लेकिन एक गारंटी जरूर है कि ये सब मिलके आपको और मुझे खूब हंसाएंगे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।